कार्यकर्ताओं से नेताओं का संवादहीनता का, जहां जहां मेरा राजनीतिक, मैं तो 6 बार से MLA हूं, 8 चुनाव लड़ा जिसमें 2 चुनाव हारे, आज भी मैं महाराजगंज से MLA हूं। हमारा संवाद जनता से कटेगा तो हमको निश्चित रूप से परिणाम भुगतना पड़ेगा। MLA एक से MLA को मैं भी, मैं MLA के बीच काम करता हूँ, मुझे मालूम है कि विधायक भी नाराज हैं, एक से MLA नाराज हैं, लेकिन मान सम्मान तो मिलना चाहिए। और कार्यकर्ता निराश होता है, नेता निराश होता है, तो हमारे यहाँ अपील का प्रावधान है, का मुंह देखना पड़ेगा उसको, निर्णय गलत हुआ सही नहीं हुआ। एक बाइक आप पैराशूट से उम्मीदवार उतार दीजिएगा तो लोग बैरन वापस कर देंगे। इनका नाम ले रहे नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं 1News 24। बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट देखने को मिली है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक विजय शंकर दुबे हैं। इनके पुत्र सत्यम दुबे आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आज बीजेपी का दामन थामा है। सर, किस तरीके से ये टूट आपके पुत्र बीजेपी में आज शामिल हो गए? देखिए, मेरे पुत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 6 बरस तक नौकरी किया, फिर छोड़ करके उन्होंने राजनीति ज्वाइन किए। राजनीति में कांग्रेस का चुनाव जब चल रहा था तो उन्होंने सदस्यता ग्रहण अपने स्वयं किए और पूरे जिले में घूम करके सदस्यता अभियान चलाया। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव से होते हैं, वो नहीं हुआ, मनोनयन हो गया, सदस्य बनाया कोई और, मेंबर बना कोई और, ऊपर से व्यक्ति कोई लाद दिया गया कि अध्यक्ष यही रहेंगे। एक इस प्रक्रिया का दूसरा सबसे बड़ा अभाव इन दिनों दिख रहा है, कार्यकर्ताओं से नेताओं का संवादहीनता का, जहां जहां मेरा राजनीतिक, मैं तो 6 बार से MLA हूं, 8 चुनाव लड़ा जिसमें 2 चुनाव हारे हैं, 6 जीते हैं, आज भी मैं महाराजगंज से MLA हूं। हमारा संवाद जनता से कटेगा तो हमको निश्चित रूप से परिणाम भुगतना पड़ेगा। सवाल ये है, और दूसरा, कार्यकर्ता जो काम करता है पॉलिटिकल पार्टियों में, उनको कोई दरमाहा नहीं मिलता, वो तो मान सम्मान के लिए, और उनकी भी लिप्सा है, लालसा है कोई ना कोई पद पाने के लिए, और चुनाव की भी प्रक्रिया हमारे यहाँ है, उस प्रक्रिया से गुजर करके लोग चुनाव में आते हैं, ऊपर लीडर बनते हैं, महासचिव, जनरल उपाध्यक्ष या पार्टी का अध्यक्ष। अब मनोनयन सिस्टम आ गया, वैसे लोग मनोनीत हो गए जो अता पता कुछ नहीं कहीं थे, एक बाइक ऊपर से आ गए और कहा जाएगा कि फलाने व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष होंगे या डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष होंगे, जिससे कार्यकर्ता आहत होते हैं। और यही हालात बना हुआ है जिससे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, फिर आपको
एमएलए एक से एमएलए को मैं भी मैं एमएलए के बीच काम करता हूँ जी जी। मुझे मालूम है कि विधायक भी नाराज हैं, एक से एमएलए नाराज हैं। ये शंकर जी एक सवाल मेरा ये है कि आखिर कांग्रेस की बिहार में बद से बदतर स्थिति क्यों हो गई? आप खुद 6 बार से विधायक हैं, पार्टी आपको तवज्जो नहीं दे रही है, इतना नीचे गर्त में गिर जाना कांग्रेस को क्यों, आखिर वजह क्या है, बात नहीं सुनी जा रही आप लोगों की? ये इसीलिए कार्यकर्ताओं का मेरा अपना मानना है कि कार्यकर्ताओं से हमारी संवादहीनता, हमारी दूरी बढ़ती चली गई जी, जिससे हम जनता से भी कटते चले गए जी। वो तो कड़ी होता है ना कार्यकर्ता जी, वो चीज़ों को अपने निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता हमें जानकारी देते हैं, अमुक जगह घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, किसी आदमी का एक्सीडेंट में मौत हो गया, तो इन सारी चीज़ों में कार्यकर्ता के माध्यम से खबर मिलती है और कार्यकर्ता को कुछ मिलता नहीं है, दरमाहा नहीं पाते जी। लेकिन मान सम्मान तो मिलना चाहिए, और कार्यकर्ता निराश होता है, नेता निराश होता है, तो हमारे यहाँ अपील का प्रावधान है। कांग्रेस संवैधानिक पार्टी है, हमारे यहाँ संविधान है लिखित कि आपकी सुनवाई नहीं होगी तो अमुक स्टेज पर आप जाइएगा, अपील करिएगा। अपील की सुनवाई नहीं हो रही, एब्रप्टली निर्णय लिया जाता है। टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही हुआ है जिसके कारण कांग्रेस जीती हुई सीट को हार का मुंह देखना पड़ेगा, उसको निर्णय गलत हुआ, सही नहीं हुआ। एक बाइक आप पैराशूट से उम्मीदवार उतार दीजिएगा तो लोग बैरन वापस कर देंगे। इनका नाम ले रहे हैं आप? ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है। आखिर कांग्रेस को दूसरे के सहारे कब तक बिहार में कांग्रेस अपने स्टैंड पे खड़ी होगी या फिर दूसरे के सहारे? मुद्दा तो अनेक है, अभी हम लोग समाप्त करें कि मेरा ये सवाल हाई कमांड से मैं दरखास्त करता हूँ विनम्रता पूर्वक, विद ऑल रेस्पेक्ट टू ऑल माय सीनियर्स, स्टेट से लेकर के, स्टेट में तो अब कोई सीनियर मेरे से ज़्यादा नहीं है। जी जी। मैं ही सबसे सीनियर एमएलए हूँ और मैं जब इस वेदना में बोल सकता हूँ तो आप तो समझ जाइए कि नीचे कितना कष्ट होगा। क्या टूट आने वाले समय में और होगी कांग्रेस में? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, अन्य मैं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस में डिफरेंट स्तर पर कार्यकर्ता का, नेताओं का बात सुनी जाए, और वाजिब बात अगर उनका कथन में दम है तो उनका काम होना चाहिए, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए। कार्यकर्ता ही पार्टी के स्तंभ हैं जी। और हमारा संगठन चलता है कार्यकर्ताओं के बल पर। आप सुन रहे थे, महाराजगंज से विधायक है विजय शंकर दुबे, इनके पुत्र आज सत्यम दुबे बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस में वो कार्यरत थे, काफ़ी दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे कांग्रेस में, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन दूसरे को जिस तरीके से विजय शंकर दुबे ने बताया कि कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है और नेताओं की बात नहीं सुनी जाती है, हम बिहार में सबसे सीनियर हैं, 8 बार में से 6 बार एमएलए जीते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है, हम आला कमान यानी दिल्ली से विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोगों की बात सुनी जाए, आखिर कांग्रेस दूसरे के सहारे कब तक रहेगी बिहार में? ये बड़ा सवाल है। विजय शंकर दुबे की नाराज़गी, ये जाहिर है कि कांग्रेस में बड़ी टूट आगे और देखने को मिल सकती है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए अपडेट 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ, मैं सदन जी, पटना।